खबर यूपी के चंदौली से। चंदौली जनपद अंतर्गत विकासखंड चकिया के ग्राम पंचायत भुरकुरा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह व प्रभारी ऊर्जा मंत्री रमा शंकर सिंह पटेल द्वारा ग्राम पंचायत भुरकुरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्यारे सिंह क्रीड़ा स्थल के सुंदरीकरण का शिलान्यास करते हुए गरीबों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। जिला अधिकारी चंदौली द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जनता के लिए किए जाने वाले समस्त योजनाओं की रूपरेखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के द्वारा करते हुए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से मंत्री जी का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारत सरकार तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब जनता किसानों मजदूरों महिलाओं के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालते हुए जन समुदाय का आभार प्रकट किया गया। चंदौली से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ 15-16 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और जो ऑनगोइंग स्कीम्स वो अभी उसमें शामिल है उसके आगे भी योगी जी की इच्छा है, गाँव के मंत्री शासक देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है, देश के 30 करोड़ लोगों को हम दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की परिभाषा जिससे जुड़े अंतिम पायदान पर व्यक्ति आर्थिक समानता से घोषित करना दिशा में भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की सरकार काम कर रही है। एक तरफ किसानों की बात होती है क्योंकि 2 महीने से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका है, किसान खंड में फंस गया है, उसके क्या मैंने आपसे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मंत्री हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में किसी किसान को कहीं भी खंड से जुड़ने का कोई अवसर नहीं है। हमने कंबलों का इंतजाम किया, हमने अलाव का इंतजाम किया, हमने उसके धान की खरीद का इंतजाम किया, हम इसमें गेहूँ खरीदेंगे उसका इंतजाम किया, उसके खाद का इंतजाम किया, मुफ्त पानी का नहर का इंतजाम किया, लेकिन बिजली दी उसके खेत की सिंचाई में कोई दिक्कत न हो, गेहूँ मड़ाई में समय आएगा तो उसमें दिक्कत न हो, और हमने सिंचाई में भी ट्यूबवेल से भी और नहर से भी पहली बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के नेतृत्व में टेल तक पानी पहुंचा, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, इसलिए हमारे यहाँ का किसान खुश है, कोई दिक्कत नहीं। किसान आंदोलन के दौरान जो हिंसा है उसे कैसे देखते हैं और आंदोलन को करने के लिए सरकार की और आपकी क्या रणनीति? मैं उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई दूंगा, वह चंदौली जनपद में आया हूँ, मैं बनारस से चला चंदौली तक, किसानों का इतना स्वागत मिलेगा जो उनकी खुशी का इजहार करता है और हमारे प्रशासन के परफेक्शन को वह प्रमाणित करता है। सब लोग खाना खा के